वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू वेलकम टू कॉल फॉर केयर आज हम कॉल फॉर केयर में आपको इनफॉर्मेशन देंगे मेनोपॉज के बारे में जनरली महिलाओं में मेनोपॉज की शुरुआत 45 फाइव टू फिफ्टी फाइव ईयर्स ऑफ एज में होती है और इसके बारे में और डिटेल जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे आयुर्वेद एक्सपर्ट डॉक्टर मुकेश शर्मा इस वक्त स्टूडियो में है डॉक्टर मुकेश बहुत बहुत स्वागत है आपका तो इससे पहले कि मेनोपॉज के बारे में मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन करे इसके बारे में और जानूँ मैं चाहूंगी कि हमारे सभी दर्शक एक बार जरूर नजर डालें हमारी आज की इस रिपोर्ट पर आइए देखते हैं क्या है वो रिपोर्ट मेनोपॉज तैंतालीस से पचपन साल की महिलाओं की जिंदगी में आने वाले एक बदलाव का वक्त है एक ऐसा टाइम जब उनका मंथली साइकिल रुक जाता है और ओवरीज में एग का बनना बंद हो जाता है जिसकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आते हैं ऐसी सिचुएशन में कई बार उन्हें हेड एक इरेगुलर हार्ट बीट जॉइंट एक विजिनियल इंफेक्शन इंसोमेनिया मूड स्विंग एंगजाइटी और डिप्रेशन जैसी परेशानियों से गुजरना पड़ता है ऐसी स्थिति में घबराने और परेशान होने की बजाय अपनी हेल्थ और डाइट का ख्याल रखें। डाइट में सोया फूड कैल्शियम विटामिन सप्लीमेंट का अधिक से अधिक सेवन करें कैफीन, अल्कोहल और स्पाइसी फूड को अवॉइड करे और इसके साथ साथ अपनी डेली लाइफ में योगा मेडिटेशन और एक्सरसाइज को रेगुलरली अपना क्यूँकी मेनोफोज बीमारी नहीं एक बदलाव है बस जरूरत है तो उसे एक्सेप्ट करने की तो ये तो है कुछ एक जानकारी जो इन शॉर्ट हमने आपको दिखाई है।, है तो आज सबसे पहले ये कि होता क्या है। आ, और संतान उत्पन्न करने के बाद जब उसकी जिम्मेदारियां पूरी हो जाती हैं थोड़ा सा दर्शनवाद की तरफ मैं लेके जा रहा हूँ तब उस वक्त क्या होता है कि जब वो उन जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाती है तब मासिक धर्म का रुकना ही मीनू कहलाता है यानी वो अपने उस पक्ष को पूरा कर चुकी होती है जो संतान उत्पत्ति का होता है हु. अब प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त जब एक बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला होता है एक एक बहुत बड़ा बदलाव आता है चीज जिसको आप कैरी करते आ रहे हैं अचानक वो बंद होती है हु. या शुरुआत होती है उसकी दोनों ही चीजें बराबर अहम रोल प्ले करती है हु. उस वक्त आ, औरत के शरीर में हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं और हार्मोनल इम्बेलेंसिंग और चेंजेस की वजह से उसके स्वभाव में उसके हाव भाव में उसकी दैनिक जो भी दिनचर्या है उसमें बहुत सारी तब्दीलियां बहुत सारे बदलाव आते हैं अमूमन एक लेमन की हैसियत से अगर देखा जाए तो वो लोग उन चीजों के लिए तैयार नहीं होते अब इसमें दो तरह से चीज की जाती है सेवेंटी परसेंट उसको मानसिक रूप से सपोर्ट देना राइट थर्टी परसेंट मेडिसनल सपोर्ट देना मेडिसिनल मींस जो हार्मोनल इंबेलेंसिंग है उसको बैलेंस करना और उसकी वजह से जो उपद्रव पैदा हो रहे हैं जो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं उन चीजों को कंट्रोल करना क्योंकि उसको उस वक्त नहीं पता होता कि उसको अगर हॉट फ्लेशज आ रहे हैं तो वो है है इस वजह से आ रहे हैं या उसको अगर हथेलियों और तलवों में गर्मी महसूस हो रही है तो इस वजह से हो रही है उसको अगर चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है तो इस वजह से हो रहा है उसको अगर नींद ठीक से नहीं आ रही है तो इस वजह से नहीं आ रही है किसी भी तरह के ऐसे अब चीज़ें जो होती हैं उनके बारे में सिर्फ ये बताना होता है कि ये चीज़ें इस चीज़ से जुड़ी हैं और उस पक्ष को आप पूरा कर चुकी हैं इसका मतलब ये है कि ये सेलिब्रेशन का टाइम है कि आपने जीवन के बहुत महत्वपूर्ण पहलू को पूरी तरह से जिया और पूरी तरह से निष्पादित किया अब आप दूसरी चीज़ में प्रवेश कर रही हैं तो इसका स्वागत कीजिए और इसके साथ जो भी कॉम्प्लिकेशन हैं उनको बड़े सरल सहज भाव से स्वीकार कीजिए और कोशिश कीजिए अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा जो भी आपको एडवाइस किया जाए वो आप इस्तेमाल करें ताकि के साथ आपने किया कि क्या होता है। लेकिन करने से डरती हैं तो क्या कहेंगे आप उन औरतों के बारे में और क्या समझाना चाहेंगे नमिता जी आपके साथ भी कोई अन चीज हो या इवन मेरे साथ भी हो अगर मैं क्वालिफाइड हूँ तो भी मेरे साथ हो तो मैं सहज भाव से उसको नहीं ले पाता कहीं ना कहीं इम्बेलिंग हो जाती इसके लिए ब्लेम करना ठीक नहीं है अलबत्ता इतना जरूर है कि अगर कई बार क्या होता है कि वो कहते हैं साहब ऐसा कुछ हमें लक्षण नहीं दिखाई दे रहा लेकिन हमें इस तरह के सिम्टम दिखाई दे रहे हैं वो भी कई बार इम्बेलेंसिंग की वजह से होता है आ, बहुत कम बेन्स्टल साइकिल का आ, फ्लो बहुत कम होना बहुत ज्यादा होना होते ही रहना या बिल्कुल ना होना इन सारी चीजों पे भी ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि क्या उस चीज से रिलेटेड है अब प्रीम्यूनोपजल सिंड्रोम जो होता है ये अपने आप में जो लक्षण होते हैं ये शो करते हैं कि अब होने वाला है हु. तो आप ये ना समझे कि अगर ये लक्षण अपियर हो गए तो वो होने ही वाला है राइट कई बार इससे अलावा भी हो सकता है कई बार मीनू होने के बाद के जो लक्षण होते हैं उसमें वो कोप अप नहीं कर पाती तो उसको भी सीधा सीधा इससे जोड़ना ठीक नहीं है इस कंडीशन में सीधे सीधे तौर पे ये देखने की जरूरत है कि आपके बॉडी में कौन कौन से लॉसेज हुए हैं उनकी भरपाई कैसे करनी है जैसे कैल्शियम जिसके बारे में खास तौर से देखना जरूरी है और हिंदुस्तानी परिवेश में जो आम जो लोग रहते हैं मैं माफी चाहूँगा वो लोग सजग नहीं है इस चीज़ के प्रति क्योंकि कंपेरेटिवली right. मेल्स के कंपेरिजन में फीमेल्स को कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हु. और मैं ये सजेशन हमेशा देता हूँ कि के कैल्शियम जब भी लिया जाए नेचुरल फॉर्म में लिया जाए अगर हम देते हैं, तो उसमें से कम से कम 80 से है एंड रेस्ट ऑफ द 10 परसेंट आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बॉडी में कितना यूज होगा या नहीं होगा तो सबसे पहले अपने डाइट की तरफ ध्यान देने की जरूरत है यानी दूध और दूध से बनी चीजों का भरपूर इस्तेमाल करना दूसरी बात नर्वाइन प्रॉब्लम जो क्योंकि एंगजाइटी बहुत ज्यादा होती है मानसिक रूप से बेचैनी होती है हॉट फ्लशेज जैसे मैंने अभी बताया आते हैं उसके लिए नरवाइन टॉनिक्स लेने की जरूरत है जिसमें अश्वगंधा ब्राह्मी शंख पुष्पी इस तरह की बहुत सारी औषधियां जो इस्तेमाल की जा सकती हैं तीसरे नंबर पर मानसिक रूप से संबल देना कि उसको क्योंकि क्या होता है कि इस तरह की चीजों को रिवील नहीं किया जाता बच्चों से लेके बूढ़ों तक बच्चों को नहीं बताया जाता बूढ़ों को नहीं बताया जाता लेकिन हम उम्र जो होते हैं वो कम से कम उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं कि आज आपका जन्म सफल हुआ आपने सब कुछ सक्सेसफुल करके आप इस दूसरे पक्ष में प्रवेश कर रही हैं तो ये हमारे लिए एक सेलिब्रेशन का टाइम है उस तरीके से करके उसको मानसिक रूप से बल देना उस वक्त इतने ज्यादा चेंजेस आते हैं कि औरत को खुद भी नहीं पता होता कि ये चीज मैं उससे रिलेट करूं या ना करूं अब इसमें देखिए मैंने बताया मैंने फिर भी सत्तर परसेंट मानसिक रूप से संबल देने की बात की है थर्टी परसेंट के करीब मेडिसिनल रोल होता है जिसमें भी मेनली uh, हम अशोका देते हैं दशमूल देते हैं दशमूल क्वाथ भी यूज कर सकते हैं दशमूल अरिस्टम भी ले सकते हैं uh, ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह की कंप्लेन कर रही है और साथ साथ कैल्शियम का प्रॉपर इंटेक साथ साथ आयरन का uh, प्रॉपर इंटेक और इस उम्र में uh, जो फीमेल uh, बॉडी है कई बार एक्सेसिव फैट डिपोजिशन की प्रॉब्लम का भी उन्हें सामना करना पड़ता है तो उसमें हमें ये देखना होता है कि हम ऐसी चीज़ों का सेवन ना करें जो फैट को बढ़ाने वाली है क्या होता है कि जब हो जाता है, तो सबसे पहले हम ये कोशिश करनी चाहिए कि उस बंद कर दें। अब एक तो फैट आना बंद हो गया दूसरा बार जो फैट ऑलरेडी डिपॉजिट है वो बर्न होकर एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो आप सोच सकते हैं क्या होगा एक बहुत खूबसूरत शरीर की मलिका आप बन जाएंगी जो कि हर एक औरत का मेरे ख्याल खाब होता है पुरुषों में भी इस तरह की भावना देखी जाती है इनफैक्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी डॉक्टर मुकेश आपसे आपने कहा कि फैट को रिड्यूस करने की जो मतलब उन्हें आजमाना चाहिए खाने पीने में भी हमें ध्यान देना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं लेकिन जनरली ऐसा देखा जाता है की जब एक उम्र के बाद हम देखते हैं की फैट डिपोजिट बहुत ज्यादा शरीर में हो गया ओबेसिटी में बदल गया है तो उसे कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है देखिए ओबेसिटी एक अलग चीज़ है एक्सेसिव फैट डिपोजिशन अगर आपके कूलों पर आपके नितंबों पर आपके हिप्स पर आपके कंधों पर आपकी कमर पर अगर फैट का जमाव हो तो उसको मैं मानूंगा कि वो गलत है यानी कहीं ना कहीं आप बेईमानी कर रहे हैं आप ईमानदारी okay. से जिंदगी नहीं जी रहे okay. उस कंडीशन में आपको कुछ भी नहीं करना है कुछ खास नहीं करना है खाने में से आलू चावल और चीनी बंद कर दीजिए आलू अगर बंद कर देते हैं चीनी अगर बिल्कुल बंद कर देते हैं चावल अगर बिल्कुल बंद कर देते हैं तो मैं सचमुच आपको कह रहा हूँ आपके शरीर में कोई कमी नहीं आएगी क्योंकि बाकी सब्जियां आप खा रहे हैं फ्रूट्स आप खा रहे हैं मैंने किसी चीज को मना नहीं किया है इसके करने के बाद एक महीने में आप देखेंगे आश्चर्यजनक रूप से आपका कम से कम तीन से चार किलो वजन कम हो गया लेकिन वो वजन कम उन जगहों पे हुआ जहां पर एक्सेसिव फैट डिपोजिशन था यानी नितंबों पर हिप्स पर कमर पर कंधों पर जहां भी आपको लगता था कि यहाँ पे बहुत ज्यादा फैट है सिर्फ वहीं से कम होगा ओवरऑल आपका चेहरा कोई देखेगा वो निस्तेज नहीं लगेगा ओवरऑल आप, आपके एनर्जी लेवल में कोई कमी नहीं आएगी सुबह के आठ बजे जो आपका एनर्जी लेवल है रात के आठ बजे भी वही रहेगा बच्चे भी कोई कंप्लेन नहीं करेंगे बड़े भी कोई कंप्लेन नहीं करेंगे तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने आप को बैलेंस रखना उस वक्त बहुत जरूरी होता है और क्योंकि एक्सेसिव फैट जो है वो बाद में कुछ और चीज़ों को न्यौता देती है जिनमें डायबिटीज़ है जिनमें हाइपरटेंशन है अब इस एंगजाइटी से अगर हाइपरटेंशन को हम जोड़ के देखें तो वो कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा देगा बिल्कुल अगर एंग्जाइटी से हम शुगर को जोड़ के देखें तो डायबिटिक पेशेंट्स में इस टाइम पे देखेंगे आप बहुत ज्यादा एग्रीवेशन हो जाता है शुगर लेवल हाई होना शुरू हो जाता है तो ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं आपस में जुड़ी हुई हैं अगर इनमें थोड़ा सा हम ध्यान रखें तो मेरे ख्याल से हम इस चीज से बच सकते हैं लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा जैसे कि कि आपने शुरुआत में कहा सजग होने की जरूरत है अवेयर होने की जरूरत है कि हमें लाइफ में किन चीजों को अपनाना है इसके बाद और किन चीजों को हमें नो कहना है या नहीं अपना हाँ, सबसे बड़ी बात यह ये आपने अभी शुरुआत में कहा पैंतालीस से पचपन साल की उम्र में देखा जाता है अब मैं हैरान होता हूँ कई बार की इससे कम उम्र में भी होना शुरू हो गया उम्र तो आप अपने आप को फोर्टीज के बाद मानसिक रूप से तैयार रखें कि कभी भी आपको स्थिति का सामना करना पड़ सकता है पड़ सकता है मीन्स कोई लाइफ थ्रेटनिंग चीज नहीं है right. लेकिन आपके शरीर में बहुत सारे महत्वपूर्ण आप अचानक अच्छे से बैठे और आपको अचानक वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाए आपके लिए वो बड़ा होगा जिस चीज का उनको सामना करना पड़ता है और हर महिला को इस दौर से गुजरना ही पड़ेगा तो इसके लिए पहले से प्रिपेयर जाना चाहिए और जैसे की डॉक्टर मुकेश ने बहुत सही तरीके से कहा कि थर्टी एट यानी फोर्टी की उम्र के बाद आपको बिल्कुल प्रिपेयर रहना चाहिए कि कभी भी ये दौर आपकी जिंदगी में सकता है और और खूबसूरती के साथ आपको इसमें एंटर करना चाहिए एक नई दुनिया की शुरुआत होती है ये वैसे इसके बारे में हम और बातचीत करेंगे लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद स्टेट यूनियन कीप वॉचिंग कॉल पर केयर में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जनरली 40 की उम्र के बाद आपको प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि का होने वाला है। हम हो जाता है। पोस्ट कई बार आयरन की कमी होती है तब भी इस तरह के सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं उसको आप उससे ना जोड़े जी सबसे पहले आप ये देखें हीमोग्लोबिन लेवल आपका कितना है आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा उबासियां ले रहे हैं आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ने पर आपका सांस फूल रहा है आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी भी बच्चे की बात पर जो पहले एंजॉय करते थे अब चिड़चिड़ापन होना शुरू हो गया है इन सारी चीजों को ध्यान देना और किस तरह की डेफिशिएंसी का हम सामना कर रहे हैं उसकी तरफ ध्यान देना उस डेफिशिएंसी को पूरा करना यानी उसकी पूर्ति करना पूर्ति करने के बाद भी अगर आप इन्हीं सिम्टम्स का सामना करते हैं तब कहीं हम जाके ये सोचते हैं कि शायद ये प्रॉब्लम वो तो नहीं है तो कंपेरेटिवली हिंदुस्तानी परिवेश में औरतों का जो जीवन है वो बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है राइट स्ट्रेसफुल इन द सेंस कि सुबह बच्चों से लेके बड़ों तक की जिम्मेदारी दोपहर को बड़ों के खाने की जिम्मेदारी उसके बाद घर की जिम्मेदारी मतलब रात होते होते तक उनको खुद के बारे में अपने अस्तित्व के बारे में कुछ भी पता नहीं होता right, मैं हमेशा तो कहती हूं अपने दर्शकों से कि की में इतनी कि उस एक में वो आराम से बैठी रहेंगे और सिर्फ अपने बारे में सोचेंगी जी। एक बात मेरे शरीर में किस चीज की कमी है दो बात क्या मैं मानसिक रूप से ठीक हूँ क्या मुझे कोई एंगजाइटी बेचैनी घबराहट चिड़चिड़ापन नींद ना आना इस तरह की शिकायत तो नहीं है तीन कि क्या मैं दस साल पहले जैसी दिखती थी अब उसमें कुछ खास बदलाव ऐसे आए हैं हुँ. अगर वो आए हैं तो वो कौन से बदलाव हैं अगर उनको मैं ओवर पावर करना चाहूँ तो कैसे करूं ये जो दो तीन चीजें हैं इनकी तरफ एक घंटा आपने कुछ भी नहीं सोचना है हुँ. ना बच्चों के बारे में ना बड़ों के बारे में ना बुजुर्गों के बारे में ना आस पड़ोसियों के, के बारे में सिर्फ आपने अपने आप को देना है नमिता जी मैं गारंटी से कह सकता हूँ वो एक घंटा उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला देगा क्योंकि जब वो रिव्यू करेंगी अपने ऊपर जो कर ही नहीं पाती हैं तो डेफिनेटली वो अपने शरीर के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कर पाएंगी कि उसका दस परसेंट भी अगर काम करेगा

बहुत जल्दी से गुस्सा आना तो उतनी ही जल्दी से गुस्सा सबसाइड हो जाना okay. भूख में भी कई बार कई तरह की चीजें देखी जाती हैं कुछ और आपसी कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनको मैं नहीं बता सकता हुँ. उस तरह की चीजों का सामना करना ये सारी चीजें अवश्यम भावी होती हैं ये सारी चीजें नेचुरल होती हैं एक एक करके आप इनसे अगर निपट लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई ऐसी अच्छा सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मेडिसिन का रोल बहुत कम है जी इसमें साइकोथेरेपी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके हस्बैंड आपके सबसे बड़े डॉक्टर इसमें साबित हो सकते right. हैं और उससे बड़ा रोल प्ले कर सकता है प्रज्ञा परिवार कि आप कभी भी किसी भी तरह से किसी भी बात को हमसे शेयर कर सकते right. हैं इस परिवार का हिस्सा होने के नाते तो मेरे ख्याल इन दोनों

तो शायद मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है right. लेकिन इसमें अवसाद कहां से आया mm -hmm. आप ये देखें उनका बेटा डॉक्टर बन गया उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई उन्होंने बड़े तरीके से अपनी पूरी लाइफ को लीड किया पूरी लाइफ को अच्छे से अंजाम दिया कोई प्रॉब्लम नहीं अवसाद किसी और कारण से अगर आता है तो अलग बात है अदरवाइज मैं इसको अवसाद से सीधा नहीं जोड़ूंगा ओके वैसे किस तरह के कॉम्प्लिकेशन देखे जाते हैं आगे चलकर मेनोपॉज से जब एक महिला गुजरती है आ, सबसे बड़ा तो मैं देखिये दो तरह की चीजें होती है शारीरिक व्याधि और मानसिक व्याधि शारीरिक व्याधि जितनी भी होती हैं वो कंपैरेटिवली धीरे धीरे ओवरपावर करती जाती है महिला मानसिक रूप से जो व्याधियां होती हैं व्याधि इन द सेंस जो इमेंसिंग होती है नहीं, सोच नहीं। में व्यवहार में चेंजेस चेंजेस आने आने शुरू हो आने शुरू हो हो जाते जाते हैं हैं वो तो तो उसको उसको आप आप बीमारी का नाम ना दें दे। तो बिना मेडिसिन के खुद को ठीक कर सकती हैं उसके लिए आपके लिए योगा बहुत अच्छा है उसके लिए आपको मेडिटेशन बहुत अच्छा है लेकिन ये है कि इन चीजों को फैशन के तौर पे ना लें अगर योग आप करती है तो योग में पूर्व कर्म पश्चात कर्म मुख्य कर्म तीन रूप में बांट लें उसको यानी जब आप योग कर रहे हैं तो क्या आपका पेट साफ है आपकी नींद पूरी है आप चिड़चिड़ा चिड़चिड़ापन तो नहीं है आपने रात को कोई ऐसी चीज तो नहीं खाई जो ना पची हो एक बार फिर योग करें उसके बाद कम से कम एक डेढ़ घंटे तक आपने एयर कंडीशनर में नहीं जाना तली हुई चीज नहीं खानी सिर्फ लिक्विड का इस्तेमाल करना है तो योग को इस तरीके से लें सिर्फ निपटाने के तौर पर ना लें कि मैं इस चीज का शिकार हूँ मेरा मीनू फजल वक्त चल रहा है तो मुझे योग कर लेना चाहिए ताकि मैं ठीक हो जाऊँ दैट इज नॉट इनफ आई थिंक ओके तो थोड़ा सा आपको इस तरफ मेडिटेशन इसमें बहुत अच्छा है ध्यान इसमें बहुत अच्छा है नींद पूरी अच्छे से आए ये भी बहुत अच्छा है इसके लिए अश्वगंधा रिस्टम का इस्तेमाल ये बहुत अच्छा साबित होता है इसमें क्योंकि वो नर्वाइन टॉनिक है वोनी फेराज स्पेशली मेंट फॉर दिस नर्वाइन स्ट्रेंथ ओके तो अगर वो पाँच चम्मच सुबह पाँच चम्मच शाम लेती हैं मेरे ख्याल नींद का भी उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा एंगजाइटी भी काफी हद तक सेटल हो जाएगी और किसी भी तरह की बेचैनी घबराहट भी उनको नहीं होगी एग्जैक्टली exactly. आपने शुरुआत में कहा कि कुछ एक हार्मोनल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं मेनोपॉज के दौरान इसके अलावा और किस तरह के चेंजेस आते हैं शरीर में एक महिला के देखिये एक चीज का निपटारा एक चीज का अवसान एक चीज का अंत अगर आ रहा है तो और उससे जुड़े हुए जितने भी ऑर्गन्स हैं यानी वो यूट्रस है या यूट्रस से रिलेटेड जितने भी ऑर्गन है right. उनके बारे में कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है जब तक जब तक कि आप किसी इन्फेक्शन का शिकार ना हो mm -hmm. अगर आपको इन्फेक्शन है तो डेफिनेटली आपको लेना पड़ेगा लेकिन उसके साथ जो स्त्रियोचित हॉर्मोन होते हैं mm -hmm. जो स्त्रियों में ही होते हैं और स्त्रियों के लिए ही बनाए जाते हैं उन हार्मोन्स की इम्बेलेंसिंग को बैलेंस करने के लिए जैसे मैंने शुरू में बताया अशोक का हुँ हुँ। अशोक के रूप में इस्तेमाल बहुत, बहुत अच्छा साबित हुआ इससे कम कम इस इतना हो जाता है कि जो भी कॉम्प्लिकेशन हमारे सामने आ रही है वो हमें ओवर पावर नहीं कर पाती हुँ हुँ। सबसे अहम चीज कैल्शियम जैसे मैंने जिक्र किया था प्रवाल पिष्टी या प्रवाल भस्म के रूप में उसे ले सकते हैं उसको शहद या मलाई के साथ अगर वो ले दो सुबह दो पिंच शाम तो एक्सेसिव कैल्शियम सिक्रीशन जो फीमेल बॉडी से होता है उसकी भरपाई काफी हद तक हो जाती है उसमें फिर आप फटीक फील नहीं करेंगे उसमें आप खाना बनाने के बाद ये नहीं सोचेंगे कि मैं अब लेट जाऊं मेरे बस का खड़ा होना नहीं है मुझसे काम नहीं हो रहा है इन सारी चीज़ों से आप अपने आप को बचा पाएंगे तो लिए? ये जरूरी होता है जानना पहचानना और उसको ट्रीट करना ओके इसके बारे में हम और बातचीत करेंगे डॉक्टर मुकेश और जानेंगे कि और किस तरह से मेनोपोज स्टेज से अगर कोई महिला गुजर रही है और सिम्टम्स का शिकार हो रही है तो उन्हें हम कैसे दूर कर सकते हैं लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद स्टेट यूनियन की वॉचिंग प्रज्ञा जो आपको मिलाए बेहतर आपसे वेलकम बैक आज हम बात कर रहे हैं मेनोपॉज के बारे में और क्या इसके सिम्टम्स हैं इसके बारे में तो अभी हम बात करेंगे कि जो सिम्टम्स जनरली महिलाएं जिस दौर से गुजरती हैं उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं उन सिम्टम्स को हम कैसे दूर कर सकते हैं अभी हम कुछ देर पहले इसके लक्षणों के बारे में बात कर रहे थे तो हम ऐसा क्या करें अपनी जिंदगी में जिससे इन लक्षणों से हमें निजात मिल सके मेनोपॉज अगर होना है तो लक्षण तो आएंगे ही। लेकिन लक्षण आए और उनके बारे में आप ये सोचे कि इनसे मैं कैसे पार पाऊँ तो वो तो जब प्रोसेस पूरा होगा तभी होगा लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी है उसकी जो तीव्रता है नहीं। नहीं। उन लक्षणों की उसको आप कहीं हद तक कम कर सकते हैं इसके लिए आपको आ, 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 सच पूछिए तो गर्भाशय के लिए नहीं गर्भाशय की रक्षा के लिए जो दवाएं होती हैं उनका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछना चाहें तो मैं शतावरी का नाम लेना चाहूंगा शतावरी ले लें और उसको देसी घी में भून लें उसको पाउडर कर लें एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम आ, उसको खाना शुरू कर दें इससे क्या होगा कि हमारी जो मांसपेशियाँ हैं गर्भाशय की उनको शक्ति मिलेगी उनको रिजविनेशन होगा उनका उनको वाइटलिटी मिलेगी तो उससे क्या होगा कि उसके बाद के जो पार्श्विक प्रभाव है एक तो उससे हम बच जाएंगे फिर ओवरऑल नरिशमेंट के लिए भी शतावरी बहुत अच्छी है स्त्रियों के लिए भी पुरुषों के लिए भी है लेकिन इस वक्त में स्त्रियों में इसका खास तौर से रोल ये प्ले करती हैं दशमूल रसायन के नाम से एक मेडिसिन आती है दशमूल रसायन एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम ले सकते हैं जैसे मैंने पहले दशमूल अरिष्टम के बारे में कहा तो वो जो इंबैलेंसिंग ऑफ मैंस्ट्रल साइकिल या uh, कम ज़्यादा होना या कुछ इस तरह के जो हार्मोन से रिलेटेड सीधी चीजें होती हैं उसके लिए वो अरिष्टम के रूप में अदरवाइज दशमूल रसायन के रूप में अगर लें तो लंबे टाइम तक आप बाद में भी अपने शरीर को

तो सबसे पहली चीज तो ये है कि इसको दूर रखें पहली बात दूसरी बात मानसिक तनाव से अपने आप को दूर रखें अब अगर कोई मुझसे पूछे कि डॉक्टर साहब क्या आपको मानसिक तनाव नहीं है जी बिल्कुल है मुझे भी है आपको भी है शायद सभी को है लेकिन उसको किस तरह से आप स्वीकार करते हैं वो बहुत मैटर करता है उसको अगर आप दिल से लगा लेते हैं जैसे कहावत है ना दिल से लगा लिया तो उसमें आप बहुत ज्यादा मुबतला ना हो उसमें आप बहुत ज्यादा इंडल्ज ना हो उसके अंदर ना घुसे ये सोचें कि ये एक लाइफ में एक, लाइफ का पार्ट है ये मेरे साथ चल रहा है आप बाइक पर जा रहे हैं आपके बराबर से पेड़ भी आ रहे हैं और झोपड़ियां भी आ रही हैं और व्हीकल्स भी आ रहे हैं वो आ रहे हैं चले जा रहे हैं आप ये समझिए कि वो उस तरीके से आ रहे हैं उनको आने दीजिए और साथ साथ जाने दीजिए वो चले जाएंगे कोई भी गम कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम कभी भी आपसे चिपक के जुड़ के नहीं रह सकता right. किसी भी शेप में आएगी पता नहीं किस शेप में चली जाएगी हुँ. तो जो चीज आपके साथ नहीं रहेगी कि उस बारे में सोचना क्या ये कुछ चीजें ऐसी होती है कि थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके ये सोचे कि जिस वजह से मैं परेशान हूँ वो क्या वजह है उसके क्या क्या हल करने के तरीके हैं उनमें से कौन सा ऐसा तरीका है जो मैं आसानी से आ... राइट बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है जैसे जैसे आप उससे बाहर निकलते जाएंगे इनफैक्ट मैं यही कहूंगी कि जो स्ट्रेस है वो हर बीमारी की मैं जड़ मानती हूँ जितना स्ट्रेस होगा जिंदगी में उतनी ज्यादा बीमारियां एंटर होंगी जी, जी, जी। लेकिन जैसे की आपने शुरुआत में कहा था की एक औरत की जिंदगी काफी स्ट्रेसफुल होती है पूरी जिंदगी स्ट्रगल करती है फिर एंड में आकर जब ये वक्त आता है तो उसे ठीक से एक्सेप्ट नहीं कर पाती तो स्ट्रेसफुल जिंदगी को मेंटेन करने के लिए ठीक रखने के लिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरह के चेंजेस ला सकते स्ट्रगल ना समझे पहले तो स्ट्रगल नहीं है आ, क्योंकि पुरुषों को भी बराबर जूझना पड़ता है समस्याओं से हुँ, वो बाहरी समस्याएं हैं स्त्रियों के लिए वो आंतरिक समस्याएं हैं कोऑर्डिनेशन बनाने की जरूरत है यहां मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि जो स्त्री है वो ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट कृति है मतलब भगवान ने जो सबसे अच्छी चीज बनाई है वो स्त्री बनाई है चाहे वो माँ के रूप में चाहे वो बहन के रूप में चाहे वो पत्नी के रूप में तो एटलीस्ट जो बाकी का समुदाय है यानी पुरुष वर्ग है उसको कहीं ना कहीं ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि वो भी जैसे मैंने स्त्रियों के बारे में कहा है कि एक घंटे अपने बारे में सोचें पुरुषों को भी कम से कम एक बार ये सोचना चाहिए कि इनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इनकी मानसिक स्थिति क्या है इनकी क्या इच्छा है कैसे मैं इसको पूरा कर सकता हूँ आपस में कैसे तालमेल बनाया जा सकता है अपने सास ससुर से कैसे तालमेल बनाया जा सकता है अपने बच्चों से कैसे तालमेल देखिए ये तार पे चलने वाली बात है जैसे नट तार पे चलता है जरा सा बैलेंस बिगड़ा और आप नीचे गिरे तो आ, मैं ये समझता हूँ कि जो बांस का रोल प्ले करते हैं वो पुरुष करते हैं कि वो बैलेंस बनाए रखने में आपकी हेल्प करते हैं और बच्चे जो हैं वो अप्रिसिएशन के लिए होते हैं तालियां बजाने के लिए कि आप बहुत अच्छे से चल रही हैं थोड़ा सा सोचने की जरूरत है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है लाइफ को एंजॉय करना भी एक कला है हुँ हुँ। उस कला में आप किसी कोचिंग में जाके नहीं माहिर हो सकते आप खुद खुद हो सकते हैं तो पुरुषों का बहुत बड़ा रोल है औरतों की रक्षा करने में हुँ। रक्षा शारीरिक ही नहीं मानसिक भी हुँ। रक्षा शारीरिक स्वास्थ्य की भी रक्षा मानसिक हाँ। बल देने मुझे लगता है पुरुष काफी हद तक हेल्प बहुत हद तक हेल्प करते हैं आप आप अपनी वाइफ के बारे में उसकी अच्छी बातें उसकी पॉजिटिव बातें जो भी हैं आप अगर पांच मिनट बैठ के उनके सामने वो बात करेंगी आप देखेंगे उनमें चेंजेस होने क्योंकि हार्मोन्स पे बेस्ड है सारा राइट right. अगर आपको कोई आप बहुत खूबसूरत है तो डेफिनेटली आपके अंदर जो हॉर्मोनल सिक्रीशन स्टार्ट होगा वो आपके सौंदर्य को और ज्यादा बढ़ाएगा hmm. आपकी आलोचना जो है उसके बाद भी हार्मोनल सिक्रीशन बहुत ज्यादा तेज हो जाते हैं वो आप में विकृति पैदा करते हैं तो हमेशा किसी के भी सामने अच्छी बात बोलो ताकि अच्छे हार्मोन्स यार, तभी हम कहते हैं कि जिंदगी में हर किसी को अप्रिशिएट करना चाहिए इंकरेज करना चाहिए मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो जो काम कर रहा है उसे दुगनी एफिशिएंसी के साथ करे दुगने एफर्ट के साथ करे और उसके रिजल्ट्स भी उसके सामने दुगने आकर खड़े हो जाएं तो वेरी राइटली सेट कि किस तरह से अप्रिसिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इसी के साथ साथ अगर डाइट पर आए आपने शुरुआत में कहा कि डाइट में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का सेवन ज्यादा करना चाहिए इसके अलावा और किस तरह के चेंजेस किए जा सकता है मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे गर्भवती महिला का भोजन होता है इसी तरीके से इस वक्त में भोजन होना चाहिए चाहिए यानी आपकी थाली में दाल भी हो सब्जी भी हो दही भी हो चावल भी हो रोटी भी हो सलाद भी हो उसके बाद में फल भी हो उसके बाद में दूध भी यानी भरपूर मात्रा में आपको न्यूट्रिशन लेना चाहिए न्यूट्रिशन इन द सेंस कि चौतरफा घेराबंदी आपने करनी है कि कहीं से कोई भी पक्ष आपका कमजोर ना रह जाए हु क्योंकि इस वक्त आपको बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन हाँ इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा कि आप ये ध्यान रखें कि दही आपको कब इस्तेमाल करना है जैसे मैंने पहले बताया तीन बजे से पहले दही खाना तीन बजे के बाद नहीं खाना है क्योंकि वो कफ की वृद्धि करेगा जैसे वृद्ध अन पान विहार नहीं करना है किस चीज के साथ क्या खाना है क्या नहीं खाना है कभी भी कोई भी चीज सामने आ जाए उसको उठाइए आपको मुंह एक मंदिर है मंदिर में वही जाता है जो साफ कपड़े पहन के साफ सुथरा पवित्र हो आप सोच लीजिए मंदिर में जाने लायक है अगर आपका मन कहे ये नहीं है आप वहीं छोड़ दीजिए नमिता जी खाना हमेशा मस्तिष्क मांगता है शरीर कभी खाना नहीं मांगता है तो आप सिर्फ दिमाग के ऊपर निर्भर ना रहे अपने शरीर की रिक्वायरमेंट भी सोचें कि क्या ये वहां जाने लायक है क्योंकि एक हद तक वो पच जाएगा पचने के बाद जो भी निकलना है निकल जाएगा जो आपके शरीर में चाहिए शरीर को लग जाएगा जो बाकी बच जाएगा वो डिपॉजिट हो जाएगा एग्जैक्टली exactly. तो वो अपना बैंक बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है exactly. एग्जैक्टली आपने काफी खूबसूरती से डिफाइन किया किस तरह की चीजों का ख्याल रख के जिंदगी में हम मेनोपोजल सिंड्रोम जो है जो सिम्टम्स उन्हें कम कर सकते हैं और एक खूबसूरत जिंदगी की आगे शुरुआत कर सकते हैं आप यहाँ पर आए डॉक्टर मुकेश इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच